जनपद में आए दिन टप्पेबाजी जैसी घटनाएं आम जनमानस के साथ होती रहती हैं। आम जनमानस को ऐसे टप्पेबाजों से सावधान रहने के लिए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि जनपद में कहीं भी पुलिस की चेकिंग सादे वर्दी में नहीं की जाती है। अगर किसी प्रकार की चेकिंग पुलिस के द्वारा की जाती है तो सभी पुलिस के जवान वर्दी में ही चेकिंग का कार्य करते हैं। किसी के बहकावे में कोई भी व्यक्ति ना आए। अगर कोई भी व्यक्ति सादे कपड़े में कहीं भी चेकिंग करते हुए दिखाई देता है तो तत्काल पुलिस को सूचना दे, जिसके खिलाफ गोरखपुर की पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर जैसी धाराओं में निरुद्ध करते हुए जेल भेजने का कार्य करेगी। ऐसे टप्पेबाजों से सावधान रहे और तत्काल पुलिस को सूचना देकर पुलिस की मदद करने का कार्य करें, जिससे भोली भाली जनता को ऐसे टप्पेबाजों से बचाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए ऐसी कुछ घटनाएं संज्ञान में आई हैं जिसमें जनपद गोरखपुर में रहने वाले या बाहर से आने वाले व्यापारियों के साथ कुछ अपराधियों द्वारा अपना परिचय पुलिस के रूप में देते हुए उनकी नगदी, गहने व अन्य जो उनके मूल्यवान संपत्ति है उसको ले लिया जाता है, जिसे अक्सर टप्पेबाजी की घटना का नाम दिया जाता है। इस संबंध में मैं जनपद गोरखपुर के सभी निवासियों को और बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि पुलिस के द्वारा जब भी कोई चेकिंग की जाती है तो वो यूनिफॉर्म में और वर्दी में की जाती है। कोई भी चेकिंग सादे वस्त्रों में पुलिस के द्वारा कभी नहीं की जाती है। यदि कोई भी व्यक्ति आपको इस तरह की बात कहकर के आपकी मूल्यवान संपत्ति या नगदी ये कहकर के लेने का प्रयास करता है कि वो पुलिस की चेकिंग आगे चल रही है और संपत्ति उसको दे दी जाए, तो कतई ही ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई भी विश्वास ना करें और अपनी कोई भी संपत्ति ऐसी किसी भी व्यक्ति को ना दें। इस संबंध में तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म करें, ऐसे जालसाजों के और ऐसे अपराधियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जहां पर भी इस तरह की घटनाएं संज्ञान में आई हैं, सीसीटीवी के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जा रही है, उनका एक पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति अगर दोबारा से किसी घटना में लिप्त पाए जा रहे हैं तो उनके ऊपर गैंगस्टर और अन्य जो प्रावधान है उनके तहत भी कार्रवाई की जाएगी। मुझे पूरी आशा है कि इस अपील का सभी लोग संज्ञान लेंगे और ऐसे किसी भी आपराधिक तत्वों के झांसे में नहीं आएंगे।